हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम हिस्ट्री 91 में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी बजा दें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम चलते हैं कुछ क्वेश्चनों को लिए हैं, बहुत ही अटपटे क्वेश्चन है, आपको सुनकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो बहुत ही, उसके बाद आपको जानकारी नहीं होगी लेकिन आपको पता होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको देखकर नहीं बता सकते होते। तो चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आपसे पूछते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया है, एक कुत्ते के मुंह में कितने दांत होते हैं, कुत्ते के मुंह में कितने दांत होते हैं, आपको पता है? पता है तो बताइए, कमेंट में लिखिएगा। एक यानी कुत्ते के मुंह में कितने दांत होते हैं, 42 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 42। एक कुत्ते के मुंह में दांत होते हैं 42। उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, रोहन के पापा के 4 बेटे हैं, कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं। पहले का नाम जनवरी है, दूसरे का नाम फरवरी है, तीसरे का नाम मार्च है, तो चौथे बेटे का नाम क्या था, पता है आपको? बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। हाँ, यानी क्वेश्चन सुनिएगा, समझिए सही से। रोहन के पापा के 4 लड़के हैं, पहले का नाम जनवरी, दूसरे का नाम फरवरी, तीसरे का नाम मार्च, तो चौथे बेटे का नाम क्या था, बताइएगा? बता सकते हैं कैसे? देखो, रोहन के पापा के 4 लड़के हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, चौथे के बेटे का नाम क्या था? अरे रोहन ही तो होगा, रोहन, क्या होगा? रोहन, यहाँ पे लिख दीजिए रोहन, क्या होगा? रोहन, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, किसी मकान को कंप्लीट करने के लिए कुल कितनी ईंटें लगती हैं, एक मकान है उसको कंप्लीट करने के लिए कितनी ईंटें लगती हैं, आपको पता है? आपको पता होगा लेकिन आप बता नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर पता है तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो किसी मकान को कंप्लीट करने के लिए कितनी ईंटें लगती हैं, बताइए, देख लीजिए। किसी मकान को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही ईंट जरूरत पड़ती है, जो लास्ट वाली जो ईंट होती है वो ही, यानी जो लास्ट जो ईंट होती है, लास्ट ईंट की जरूरत पड़ती है एक ईंट की, सिर्फ कितनी ईंट की, एक ईंट की जरूरत पड़ती है, जो लास्ट वाली है। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर चौथा लेते हैं, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, पुलिस को हिंदी में क्या पता है किसी को, किसी को अगर पता है तो वो कमेंट में लिखे, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, किसको, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, पुलिस को हिंदी में आपको बताएं हम क्या कहते हैं, जन रक्षक, क्या कहते हैं, जन रक्षक, ठीक है, क्या कहते हैं, जन रक्षक कहते हैं। उसके बाद बताइए वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है जो अंधा भी देख सकता है, आपको पता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अंधा भी देख सकता है, अब आप चक्कर में पड़ गए होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ जो अंधा भी देख सकता है, बताइएगा, दिमाग लगाओ, पता है नहीं पता है, तो यहाँ से देखिए, वो क्या है जो अंधा भी देख सकता है, अरे बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखो अंधेरा क्या देख सकता है, अंधेरा, अरे अंधेरा तो अंधा भी देख सकता है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ बहुत लोग होते हैं लेकिन अकेला महसूस करना पड़ता है, क्या आप कभी ऐसी ऐसी जगह गए हो, ऐसे स्थान पर गए हो जहाँ बहुत लोग होते हैं लेकिन अकेला महसूस करते हो, पता है आपको, पता होगा लेकिन आपको बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी कौन जगह है, वो आपकी जगह है परीक्षा हॉल, कौन सी जगह है, परीक्षा हॉल, ठीक है, यानी परीक्षा हॉल में जब आप पेपर देने के लिए जाते हो, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, बहुत लोग होते हैं लेकिन अकेला महसूस करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ से देखिए। उसके बाद सवाल नंबर 2 इसमें क्या दिया है, ऐसा कौन सा व्यापारी है जो आपका माल भी लेता है और आपके पैसे भी लेता है, अब आप सोच रहे हो ऐसा कौन सा व्यापारी है जो हमारा माल भी लेता है, हमारे पैसे भी लेता है, ऐसा कौन सा व्यापारी हो सकता है, लगाइए दिमाग, बताइएगा कौन सा व्यापारी है, ऐसा कौन सा व्यापारी है जो आपका माल भी लेता है और आपके पैसे भी लेता है, तो ऐसा व्यापारी है आपका नाई, कौन सा है, नाई होता है, आप जाते हो बाल कटवाने के लिए तो आपके बाल भी काट लेता है और आपसे पैसे भी ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सवाल नंबर 8, इसमें क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, सूर्य ने आज तक पृथ्वी पर क्या नहीं देखा, पृथ्वी पर सूर्य ने आज तक पृथ्वी पर क्या नहीं देखा, आपको पता है, हाँ एक ऐसी चीज़ है, क्या बता सकते हो, हाँ क्या नहीं देखा, बताओ, सूर्य ने आज तक पृथ्वी पर क्या नहीं देखा, जब भी आता एक चीज़ ऐसी है जो उसने नहीं देखी, क्या है, अंधेरा, क्या है, अंधेरा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया इसमें, ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमेशा आपसे आगे रहती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा आपसे आगे रहती है, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो हमेशा हमसे आगे रहती है, हमें कभी दिखाई नहीं दी, दिखाई देती। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा आपसे आगे रहती है, बता सकते हैं, बताइएगा। पता है आपको? नहीं पता, पता होगा लेकिन आप बता नहीं सकते। अरे आपकी नज़र होती है, नज़र जो हमेशा क्या रहती है, आपसे आगे रहती है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 10 में क्या दिया, इंग्लिश का ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सभी स्वर आते हैं, जिसमें सभी स्वर आते हैं, ऐसा कोई शब्द है जिसमें सभी स्वर आते हैं, ऐसा कौन सा, आप सोच रहे हैं ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें स्वर, जानते हो कौन से, वो या पांच होते हैं आपके, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, पांच होते हैं, ऐसे कौन सा वर्ड आपको लेना है ये पांचों आ जाएं, बता दें, देख लीजिए। तो वो आपका होता है एजुकेशन, क्या होता है एजुकेशन, देख लीजिए, ई भी आ गया, यू भी आ गया, एक दो और ई, ए आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, देखो पांचों स्वर आ रहे हैं एजुकेशन में, ठीक है। एजुकेशन में ऐसा एक एजुकेशन एक वर्ड ऐसा है इंग्लिश का जिसमें आपके पांचों स्वर आते हैं, सही है। उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जो मंथ में सिर्फ एक बार आती है और 24 घंटे बिताकर आप चली जाती है, तो बताइएगा ऐसी कौन सी चीज़ है जो महीने में एक बार आती है और 24 घंटे बिताकर चली जाती है, तो वो क्या होती है आपकी डेट यानी तारीख, क्या होती है तारीख। सवाल नंबर 12 इसमें क्या दिया है, 2018 में क्या ख़त्म हुआ, आपको पता है 2018 में क्या ख़त्म हुआ, नहीं पता होगा 2018 में क्या ख़त्म हुआ, 2018 में क्या ख़त्म हुआ, 2017 ख़त्म हुई, आप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो कमेंट करके बताइएगा आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखवाए हैं आपको यानी क्वेश्चन कैसे लगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी बजा दें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखवाए थे उसके आंसर किस बच्चे को पता थे, ठीक है, तो सभी लिखेंगे जिनको पता थे आंसर वो सब कमेंट करके बता